नमस्कार साथियों, जय श्री राम। यह फोटो जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इनका नाम है कृतिका जांगिड़। यह दौसा राजस्थान की हैं, बांदी कुई नामक स्थान की हैं। इनकी आयु सिर्फ 13 वर्ष है, यानी कि 13 साल की हैं। कुरकुरे खरीदने गई थी दुकान पर, वहाँ से वापस घर नहीं लौटी, तो इनके माता पिता ने सोचा शायद लड़की को कोई किडनैप कर ले गया। उन्होंने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस ने खोजबीन तेज कर दी और एक मैसेज व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल हुआ, इनके बारे में लिखा गया और इनकी फ़ोटो के साथ। तो हुआ यह कि एक मुसलमान लड़का इनसे इंस्टाग्राम पे मिला था, हिंदू नाम से मिला था, खूब अच्छी से अपने फ़ोटो लगा रखा था हीरो जैसी। असल में वह मुस्लिम व्यक्ति है, वह कतर में मजदूरी करता है और इसको ले जा रहा था, तो इसको ट्रेन में बैठा कर ले जा रहा था। तो वह उसी ट्रेन के उसी डिब्बे में एक व्यक्ति ऐसे भी बैठे थे जिनके व्हाट्सएप पर यह मैसेज आया उनको कि यह लड़की लापता है, इस बारे मैसेज आया। तो उन्होंने पहचान लिया इनको, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने पकड़ा। तो खुलासा यह हुआ कि यह जो आदमी है, आप इसकी शक्ल देख लीजिए, यह आदमी इस लड़की को कतर ले जाता और वहाँ पर बेचने का प्लान था इसका। अब आप सोचिए जिहादी कितने गिरे हुए लोग हैं, बताइए एक 13 साल की बच्ची क्या जाने अपनी ज़िंदगी के बारे में, उसको यह कतर ले जाता और बेचता। और ऐसा ही होता है, जो लव जिहाद की शिकार लड़कियाँ होती हैं उनको विदेशों में ले जाकर बेचा जाता है। पहले तो उनसे धंधा करवाया जाता है, जिस्म का व्यापार कराया जाता है, पहले पैसे कमाए जाते हैं और घर में ही हलाल वगैरह सब होता है, फिर वहाँ बेच देते हैं। और साथियों, मैं आपको बता दूँ, ये जो बॉडी पार्ट्स आते हैं ना इंसानों के, यह इन्हीं लड़कियों के होते हैं, ठीक है, इन्हीं हिंदू लड़कियों के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह अधिकतर शाकाहारी होती हैं, कोई नशा नहीं करती, इसलिए सब कुछ सही रहता है। तो इन्हीं तरह लड़कियों को ले जाया जाता है लव जिहाद जाल में फंसा के। एक मुसलमान आदमी कई कई लड़कियों को ले जाता है, ऐसा खुलासा हो चुका है, पहले इसका खुलासा हुआ है कई बार इसका, जो सऊदी में कुवैत में इस तरह बेचा जाता है इनको जानवरों की तरह। तो इसलिए कृपया करके जो बहन बेटियां हैं, किसी अजनबी पर भरोसा ना करें। हाँ, किसी अजनबी भरोसा ना करें, क्योंकि हिंदू नाम से भी आते हैं ये जिहादी लोग, आप पहचान ही नहीं पाओगे। बहुत करोगे आप सावधान रहोगे कि किसी मुसलमान से कोई संबंध नहीं रखना है, लेकिन वो हिंदू नाम से आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों पर ध्यान दें कि उनके फ़ोन में किसका नंबर है, वो सोशल मीडिया पर किस किस से बात करते हैं, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। साथियों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोग जागरूक हो सके और इस बारे में उन्हें पता चले। क्योंकि आप लोग कोई मनोरंजन का वीडियो वगैरह तो बहुत शेयर करते हो, लेकिन जो ज़रूरी होता है उसको आप इग्नोर कर देते हो। तो साथियों, कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोग हमारा सहयोग करें, हमारा साथ दें। सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।